फाइनली आपके विंटर हॉल का होता है इंतजार खत्म। मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से स्वेटर्स जो आपको देख के मजा आ जाएगा, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी, लेके आ गई हूँ आप सबके लिए विंटर हॉल। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था गाइस। मैंने बीच बीच में जंपसूट आई वो इससे निकाल दिया क्योंकि काफ़ी डिमांड थी, और उससे पहले ही फेस्टिव रिलेटेड सूट साड़ी लहंगा कुर्ती मैं सब कुछ कर चुकी थी एक एक महीना पहले। तो लोग कहते फेस्टिव सीज़न चल रहा है और तुम ये कर रही हो, तो मैं उनको क्या बताऊँ कि यार अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स में सो तो आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ सूट लहंगा ब्लाबला स्टफ़, तो इसलिए मैंने बीच में कुछ फॉर्मल शर्ट्स और जम सूट वगैरह का हॉल कर दिया था। फिर लोगों को आ रहा था मैसेजेस कि स्वेटर हॉल विंटर हॉल विंटर हॉल, जो ऑलरेडी प्लान था वो एक एक करके ही हॉल्स आएंगे ना गाइस। तो आज होने वाले हैं स्वेटर, मैंने जीन्स और कार्गो का भी हॉल किया है, मैंने स्वेट शर्ट्स का भी हॉल किया है, तो बस थोड़ा थोड़ा सब्र, एक एक करके सारी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो और पहले बता देती हूँ आज के आउटफिट डिटेल्स। ये शर्ट मेरी अर्बैनिक की है और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैं दोबारा वॉर्म चेकर शर्ट्स पहन रही हूँ क्योंकि आ गया है विंटर सीज़न। अंदर जो मैंने टॉप पहना है वो भी अर्बैनिक है, और ये मेरी इतनी ढीली थैले जैसी जीन्स भी अर्बैनिक की है, तो आज मैं हेड टू टो अर्बैनिक पहन के बैठी हूँ। और मेरा अर्बैनिक का कूपन कोड भी चेंज हो गया, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि पुराना कूपन कोड इनवैलिड है, तो जो न्यू कूपन कोड है वो यहाँ मैं फ्लैश कर दूंगी। तो अगर आप कुछ अभी विंटर स्टफ मंगा रहे हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। ये तो रही थोड़ी सी डिटेल्स, और आज के वीडियो में मैं स्वेटर्स दिखाने वाली हूँ, तो आपको मिनिमम से मैक्सिमम रेंज बता देती हूँ, फिर मैं आपको पहला स्वेटर दिखाऊंगी। आज की जो हमारी रेंज होने वाली है वो है 350, मिनिमम है हमारा 350 और मैक्सिमम है हमारा 820, मतलब 820 हाईएस्ट होने वाला है स्वेटर। तो आप कह सकते हो आज का जो हमारा हॉल है वो अंडर 900 या 100-900 के अंदर आपको सारे स्वेटर्स मिल जाएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ तो मैंने स्वेटर्स ऐसे खोल के भी नहीं देखे कैसे होने वाले हैं, तो चलो देखते हैं कैसे रहते हैं स्वेटर्स। पहला हमारा स्वेटर ड्रेस बेरी का है, राउंड नेक रेड कलर का स्वेटर है। वैसे तो ये 2300 के आप पिक्चर में देख सकते हो, मुझे 66% ऑफ पे 781 रुपीज़ का पड़ा। इसमें साइज एक्स स्मॉल से एक्सेल साइज थे, और जो मैंने साइज़ मंगवाया वो मैंने स्मॉल साइज़ मंगवाया अकॉर्डिंग टू द साइज़ चार्ट, जो मुझे लगा ये मुझे परफेक्ट फिट हो जाएगा ऐसा सोच के मैंने मंगवाया। उसकी पॉलिसी पे यहाँ लिखा है मिंत्रा, अब मैं सोच रही मैंने ऑर्डर तो फ्लिपकार्ट से किया, इस पर मिंत्रा क्यों लिखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा स्वेटर है। तो ये है स्वेटर वेस्ट, पहले आपको ये पहननी हो, ये तो मुझे ऐसे देखने में काफ़ी लूज लग रही है स्मॉल होने के बाद भी, ठीक है, स्मूथ फैब्रिक, और इसके ऊपर से आएगा ये आपकी स्लीव्स वाला स्टाइल वाला स्वेटर। ये मुझे ना स्टाइलिश लग रहा था इसलिए मैंने मंगवाया ड्रेसबेरी का स्मॉल साइज़ का, फैब्रिक बहुत स्मूथ है और ये ठंड उतनी तो नहीं रोकेगा, लेकिन जो अभी वाला टाइम चल रहा है ना बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी ऑब्वियसली नहीं है कि इस टाइम पर इस तरीके के स्वेटर्स बहुत ईजीली चलते हैं। और फिर आपको कुछ लग रहा है तो इसके ऊपर आप पफर जैकेट पहन सकते हो तो बहुत अच्छे से वॉर्म हो जाओगे। मैं काफ़ी बार पफर जैकेट्स के नीचे ना कुछ ऐसे पतले पतले स्वेटर्स ही प्रेफर करती हूँ, या फिर कुछ फुल स्लीव्स के टॉप, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, वो तो जब बर्फ़ वाली जगह जाओ तो आप पहन सकते हो। ऐसे इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ। सो ये है हमारा पहला स्वेटर, और गाइस मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि मुझे पहले पर्सनली लग रहा था ये एक सिंगल पीस स्वेटर होगा और बीच में से सारा कटआउट होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं निकला। आप देख सकते हो ये ऊपर से अलग है, और जितना ऐसे डीप करना चाहो उतना डीप कर सकते हो, जितना आपको यहाँ से कट चाहिए वो उतना आप कट बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। वरना जब मैंने इसको नॉर्मली पहना ना तो कट आया ही नहीं था, मतलब नॉर्मली ये ऐसा आ रहा था, वो आपके ऊपर है, जितना आप इसको डीप खींच के पहनना चाहो वैसे पहन सकते हो, वरना ये आपकी बिल्कुल ऐसे स्लीव्स आ जाएंगी जिसको आप पहन सकते हो। आप बैक से भी देखो ये ऐसे अलग से बिल्कुल पीस है छोटू सा, जो सिर्फ स्लीव्स है, जैसा ज़ारा H&M में एक बार चला था। मेरे को ठीक लग रहा है स्वेटर, ठंड वंड तो नहीं रोकेगा, लुक है स्टाइल है, पहन के ना मुझे बहुत मज़ा सा नहीं आया कि हाँ वो कट खुद से दिख रहा हो। फिटिंग की थोड़ी दिक्कत है, ये बहुत ढीला ढाला सा है, इसके स्ट्रैप्स भी बहुत ढीले ढाले से, कुछ एडजस्टेबल वाला सीन नहीं है, तो मैं बहुत डाइसी हो रही हूँ। ओकेश मुझे स्वेटर लग रहा है, मुझे नहीं पता आगे कैसे स्वेटर्स आने वाले हैं, इसको लेके मुझे ठीक ठाक लग रहा है अभी, मैं समझ नहीं आ रहा इसको मैं थम्स अप दूँ या ना दूँ, आगे वाले स्वेटर्स कितने अच्छे हों कितने बुरे हों, तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है।
कमेंट से बताओ बहुत अच्छा लग रहा है क्या? कंफ्यूज हो गई हूँ यार, आगे मैं कैसे बता पाऊँगी, नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइज मुझे तो आप लोग का पता नहीं लेकिन मेरे को स्वेटर्स भी बहुत पसंद है। बीच में एक लहर आई थी ना, सब स्वेट शर्ट्स पहन रहे थे लूज वो भी मुझे अच्छी लगती है। मैंने स्वेट शर्ट्स मंगवाई हैं मीशो से और मैंने स्वेटर्स मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शंस थे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कोजी से स्वेटर्स पहनना। घर पे भी स्वेटर पहन रहा हूँ। जो नेक्स्ट स्वेटर है हमारा मस्टन हार्बर का, वो एम्ब्रॉयडर्ड टर्टल नेक स्वेटर है, आप देख सकते हो पिक्चर में। वैसे तो वो 2100 का दिखा था लेकिन 60% ऑफ में हमें 820 रुपये का वो स्वेटर पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अब देखते हैं एक्चुअल में आया कैसा है। सी गाइज ये थोड़ा ना लूज फिट वाला क्रॉप स्वेटर है, ठीक है, और पीछे से तो आप देख ही सकते हो बिल्कुल प्लेन है। फ्रंट में ना इसमें डेजर्ट बने हुए हैं, कैक्टस बने हुए हैं। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और स्वेटर में एक होते हैं पतले वाले स्वेटर, जैसे मैंने पहला दिखाया था उसका वो थोड़ा पतला स्वेटर था, ये ना थोड़ा थिक स्वेटर है और गफ है थोड़ा, आप समझ रहे हो। मज़ा आ रहा है इसको छूने में, बहुत सॉफ्ट है, थिक है और आप देख सकते हो इसके अंदर की बुनाई से, आप समझ सकते हो डबल लेयरिंग वाली इसकी बुनाई हुई है। और काफ़ी सही लग रहा है मुझे ये कूल सा लूज फिट जीन्स के साथ, नीचे वाइट शूज़ पहने, कितना प्यारा सा इसका प्रिंट है। कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसके। फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें साइज़ स्मॉल ही मंगाया है गाइस, मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसका साइज़ मैंने क्या मंगवाया है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि स्मॉल मुझे क्या फिट हो रहा है। तो आप अपना देख सकते हो कि एस ही आएगा या एम आएगा, भी अगर क्या आती हूँ। सी गाइस जैसे ये स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्रॉप स्वेटर है, वो नहीं होता यहाँ से ढीला वाला स्वेटर, स्लीव्स इसके फुल है। मुझे ना इसके कलर कॉम्बिनेशन और जो ये पैटर्न है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नो डाउट ये बहुत सॉफ्ट है फैब्रिक और बहुत वार्म मुझे फील दे रहा है कि पूरा हाथ अभी से गर्म होने लगे, मतलब अंदर गर्माहट सी फील मुझे होने लगी है इसको पहन के। और आप बैक से भी देख सकते हो कहाँ तक की इसकी लेंथ है, कैसा इसका लुक एंड फिट आ रहा है। मैं इसको इमेजिन कर सकती हूँ अगर मैंने बेज कलर के अपने हाई बूट्स पहने और ये स्वेटर है, स्किनी जीन्स पहनी है, ये कितना ज़्यादा स्मार्ट लगने वाला है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका पैटर्न, इसका लुक, इसका कलर, डेफिनेटली थम्स अप है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा स्वेटर है वो आप पिक्चर में देख सकते हो, वैसे तो ये 750 का मुझे पड़ा है, 75% ऑफ में, वैसे तो इसके रेट 3000 दिखा रहा है। इसमें जो साइजेस है ना गाइज वो है एम, एल और एक्सएल, आपको इसमें स्मॉल साइज नहीं मिलेगा। इसमें कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे पिंकिश में, पर्पलिश में और ग्रेइश में, तो मैंने पर्पल मंगाया क्योंकि आजकल आपको पता है पर्पल कितना चल रहा है। तो ये एम साइज़ का है और थोड़ा लूज फिट में आएगा, थोड़ा बड़ा सा ये स्वेटर है, बिल्कुल बेसिक स्वेटर स्टाइल वाला जैसा बोलते हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक स्वेटर है। बहुत सॉफ्ट इसका वूल है, मतलब जिससे बुनाई हुई है ना वो बहुत सॉफ्ट है, वही थोड़ा थोड़ा थिक है, डबल वाला स्वेटर है, डबल बुनाई वाला, और ये ना थोड़ा गर्म होगा गाइस, ये वाले स्वेटर बहुत गर्म रहते हैं। एम साइज़ में थोड़ा ढीला ढाला सा आएगा, बेसिक राउंड नेक है इसका और स्लीव्स में भी आप देख सकते हो। मुझे ना ये पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरीके का स्वेटर ना आपको मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, सब जगह ये वाला पैटर्न तो दिखेगा ही दिखेगा। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं कहा पर्पल मंगा के देखती हूँ। और बहुत वार्म लग रहा है, पकड़ने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वर्थ इट है, मतलब मुझे लगता है इससे सस्ते क्या ही स्वेटर आएंगे, फिर वो बहुत चीप टाइप के, और ये बहुत अच्छे ब्रांडेड स्वेटर है। तो मैंने सोचा क्योंकि विंटर्स कपड़े आते भी थोड़े महंगे, कि काफ़ी लोग बोले कि बहुत महंगे, लेकिन इतने ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी और बहुत कॉस्टली जाएंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा भी अगर क्या आती हूँ। पता नहीं क्यों इसको पहन के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ना इस पैटर्न का कोई स्वेटर है, वो शायद ग्रीन और ब्लैक था कुछ ऐसा सही था अर्बैनिक का। इसको पहन के बस ये लगा कि कलर्स बदल गए और स्वेटर ये, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्वेटर इन है गाइज, ये बहुत वार्म स्वेटर है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसकी लेंथ देख सकते हो कहाँ तक की इसकी लेंथ आ रही है, डिसेंट इसकी लेंथ है। बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा इसका लुक एंड फिट है, कहाँ तक की इसकी लेंथ है। मैं ऐसे फोल्ड करके पहन रही हूँ, मैं ऐसे ही स्वेटर पहनती हूँ। स्लीव्स की भी लेंथ देख सकते हो कहाँ तक है, कितनी ढीली है, कितनी टाइट है। बहुत कोजी, बहुत वार्म ये स्वेटर लग रहा है, मतलब जो आप पैसे दोगे वर्थ इट है। अब इसमें आप दो तीन कलर के ऑप्शन है, कोई भी देख सकते हो। पर्पल बहुत इन है मैंने इसलिए देखा, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर जैकेट वैकेट भी पहन सकते हो ज़्यादा ठंडो, वरना वैसे बहुत अच्छा खासा गर्म स्वेटर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिस रीज़न से मैं इसको देती हूँ थम्स अप,
नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा स्वेटर ना कार्डिगन लुक वाला है, आप देख सकते हो पिक्चर में वाइट कलर का है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये 740 रुपीज़ का, मुझे लगता है 720-740 इतने ही रुपए के हैं। इसमें मैंने साइज़ स्मॉल मंगवाया है, ड्रेस बेरी का ये स्वेटर है और आप देखो कितना सही लग रहा है, मतलब वो बिल्कुल पहाड़ वाली वाइब आ रही है। आप सोचो ना इसको पहन के आप पहाड़ के किसी पत्थर पे बैठे हो, क्या मस्त फोटो खींचेगी। ये जो इसका प्रिंट है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। कार्डिगन ये है, मैं इसको श्रग ज़्यादा बोलूँगी क्योंकि कार्डिगन में क्या आगे बटन वगैरह होते हैं, इसमें ना कोई भी बटन वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है, 740 रुपए के हिसाब से जो फैब्रिक आपको मिल रहा है ना, मतलब मैं आपको शायद आप मेरी बात समझ पाओ, कुछ स्वेटर होते हैं जो बहुत चुभते हैं, उनको पहन के भी ना चुभन चुभन फील होती है। एक होते हैं बहुत सॉफ्ट और गफ स्वेटर की अगर आपने डायरेक्ट पहना है ना, लाइक अंदर कुछ स्पेगेटी वगैरह नहीं पहना तो इसको पहन लो तो आपको कहीं से भी ना वो खुजली नहीं मारेगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट वूल से बना है। ये मुझे सबसे प्लस पॉइंट लग रहा है और मैं बिल्कुल ऐसे कपड़े प्रेफर नहीं करूँगी जो मुझे ज़रा भी कहीं से भी चुभे, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे लग रहा है। फटाफट से वियर करती हूँ गाइज, इसको पहन के लिटरली मैंने खुद को मिरर में देखना तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट और प्यारा सा लगा क्योंकि मेरे पास सच में ऐसा कोई श्रग नहीं है जो कार्डिगन जैसा स्वेटर जैसा लुक दो। और ये जो प्रिंट है ना, इसके कलर कॉम्बिनेशन, ये प्रिंट के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छा खासा वॉर्म मुझे ये फील दे रहा है। फ्रंट ऐसा ओपन है, इससे मैंने एक स्पेगेटी के ऊपर इसको पहना है। अब मैं चाहूँ इसके ऊपर जैकेट भी पहन सकती हूँ, पूरा कवर कर सकती हूँ, लेकिन अभी की ठंड के हिसाब से ये स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने कुछ स्किनी जीन्स के साथ ये पहना है और ऊपर आप जैकेट ले लोगे, बहुत अच्छा लगेगा। बैक से भी मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ, बहुत डिसेंट इसकी लेंथ है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने साइज स्वेटर कुछ अलग अलग टाइप के मंगाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा स्वेटर डार्क ब्लू कलर का, ये मुझे 709 रुपए का पड़ा है, वैसे तो ये 2300 रुपए का स्वेटर है। आप पिक्चर में देखो, मुझे इतना परफेक्ट लग रहा था ना दिसंबर के टाइम पे पहना हुआ, मतलब मैं अलग ही दुनिया में खो गई थी कि स्नोफॉल हो रही हो, मैंने स्वेटर पहना हो, कॉफ़ी पकड़ी हो, किसी होटल की विंडो पे मैं बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ, बाहर स्नोफॉल हो रही है, हाँ कितना ड्रीमी सा लग रहा है। ये बहुत प्यारा मुझे स्वेटर लग रहा था, मुझे था कि पता नहीं कैसा आएगा, तो ये कुछ स्वेटर आया तो है वैसा सा, मैं आपको दिखा दूं, लेकिन मुझे ना कुछ अभी ऐसे समझ नहीं आ रहा है। सी गाइस, जैसा उस लड़की ने पहना हुआ था वो देखो और फिर इसको देखो, शायद ये अभी इसे चिपका हुआ है, ये इस वजह से ऐसा हो रहा है, इसके फर ऐसे हो रखे हैं, नहीं तो प्रॉपर आप बैक से देख रखे हो जो वो बने हुए हैं ना, ये कुछ ऐसे से आएंगे, ठीक है। और इसकी स्लीव्स में आगे आएगा और पीछे से इसकी स्लीव्स बिल्कुल प्लेन है, इधर भी देख सकते हो बैक में कुछ नहीं है, फ्रंट में है और ये स्वेटर है, बैक से ऐसा है। अब मैं पहन के देखती हूँ कैसा आ रहा है, उतना मज़ा आ रहा है या नहीं, क्योंकि पिक्चर में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये बहुत अलग सा फरी लग रहा था, अब ये इसमें बहुत चिपका हुआ सा है, अब आई डोंट नो ये तय हुआ हुआ इस वजह से लग रहा है या फिर ये रहेगा ही ऐसा, तो लुक एंड फिट पहन के बताऊँगी, वरना वैसे तो पूरा गुथा हुआ ऊन का है, आप देख सकते हो कैसा ऊन का पूरा गुथा हुआ है, आप समझ पाओगे, गर्म तो होगा नो डाउट, लुक की थोड़ी बात है जो मैं वियर करके बताती हूँ। पहले मुझे स्वेटर को देख के लग रहा था कि शायद उतना कोजी सा फील नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैंने मिरर में खुद को देखा ना तभी मुझे उतना ही क्यूट और प्यारा सा लग रहा था। आप देख सकते हो क्या इसका लुक है, क्या फिट है, कितना ये लॉन्ग है, ऑब्वियसली कोई ऐसा पहनता नहीं हर बार, बताएं मैं थोड़ा फोल्ड करके इसको पहन दूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। आप स्लीव्स की लेंथ देख सकते हो, बहुत प्रॉपर ये वॉर्म है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप पास से देख सकते हो ये जो बना हुआ है ना, इसमें ये कैसे ऐसे धागे से ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। अब बैक से भी आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है ये, और मुझे अच्छा लगा पूरी इसको देख के ना, पूरी ऐसे विंटर वाइब्स आ रही हैं, तो ठीक लग रहा है, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। पहले मैं थोड़ी डाइसी हो रही थी ऐसे सामने को देख के, लेकिन बहुत गर्म है यार, ये इसकी ऊन सच में गर्म है, अच्छा लग रहा है, थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। और आज मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं टू द पॉइंट बातें बोलूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरी बकबक से बहुत नफरत है, इतना हेट कमेंट बॉक्स में भर देते हैं, फिर आज पता नहीं क्यों मेरी मन में हज़ार बातें लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे को ना बार बार वो कमेंट ऐसे फ्लैश हो रहे हैं कि छोड़ गई मैं, मत बोल मत बोल। और ये भी बात मैं क्यों बोलूँ, मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम और सोचूंगी, मैं कट टू कट सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड बताऊँ और मैं कुछ आपको अपडेट और बताऊँ ना, क्योंकि कुछ लोग आते हैं सिर्फ प्रोडक्ट देखने आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं हम तो स्किप करते हैं, इतना बोलती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर मेरे को वो चीज़ फील हुई। मैं ट्राई करूँगी मैं टू द पॉइंट बोलूँ, और बाकी मैं तो सोचूँ मैं तो अपनी जनता के लिए एक अलग चैनल बनाऊँ यार, जो मेरी बातें सुनना चाहते हैं, यहाँ तो मुझे अजीब सा लगने लगा, आधे लोग कैसे से हो यार। एनीवेज
नेक्स्ट जो स्वेटर है वो हमारा स्काई ब्लू कलर का स्वेटर है, आप पिक्चर में देख सकते हो। इसके दो कलर ऑप्शन है, एक में रेड था एक में स्काई ब्लू। मैंने सोचा स्काई ब्लू लेते हैं, काफ़ी अच्छा सा कलर लग रहा है। 750 रुपये का। देखा मैंने कहा था ना 750, 720, 700, 900, 750 इतने के ही हैं। इसमें भी साइज़ जो है ना वो एम एल और एक्सेल ही है, स्मॉल साइज़ इसमें नहीं है और डबल एक्सेल भी नहीं है। तो ये साइज़ एम है। गाइज ये स्वेटर एम साइज़ में है और मुझे ना बहुत बड़ा लग रहा है। स्टाइल बिल्कुल वैसा ही आप देख सकते हो, बहुत स्टाइलिश इसमें ना बुनाई हो रखी है जो बहुत सुंदर लग रही है। प्लेन स्काई ब्लू नहीं है, जिस रीज़न से मुझे बहुत पसंद आ रहा था। ऊपर से जो ये वी शेप की फ्रिल लगी थी ना, ये बहुत क्यूट लग रही थी। अब आप इमेजिन करो ये स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल में होता, बिल्कुल फिटेड होता, कितना प्यारा लगता। आई नो स्वेटर फिटेड नहीं होते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ मुझे लग रहा है। बाकी पता भी नहीं, मैं वियर करके कुछ बता पाऊँगी कि अच्छा लग रहा है या बहुत बड़ा लग रहा है। ऐसे देखने में तो ये मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। नो डाउट कलर बहुत अच्छा, आप पास से भी देख सकते हो इसकी बुनाई वगैरह कितनी अच्छी, और फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। अभी तक एक भी स्वेटर ऐसा नहीं आया जिसका फैब्रिक बहुत खड़खड़ हो, जिसकी मैं बुराई करूँ। सही आ रहा है, इसको वियर करके आती हूँ। पहले मुझे लग रहा था एम साइज मुझे बड़ा आएगा, लेकिन इसको पहन के मुझे उतना बड़ा फील नहीं आ रहा है कि बहुत ही बड़ा कुछ मैंने पहना है। ठीक लग रहा है, इतने लूज स्वेटर अच्छे लगते हैं। आप पास से पूरा देख सकते हो कि इसका नेक का ये पैटर्न है, यहाँ कुछ अलग वीविंग हुई है, यहाँ से अलग, ये इसका स्टाइल अलग आ रहा है। कलर इसका मेन नेल पेंट से मैच कर रहा है। बैक से भी आप देख सकते हो कहाँ तक इसकी लेंथ है। मैंने हल्का सा फोल्ड किया हुआ था इसलिए आपको आइडिया लगा इतनी इसकी लेंथ। मैंने इसे फोल्ड करके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके पहना है जिससे थोड़ा अच्छा लगे। वॉर्म है ये, भले इसमें से कटआउट हुए हुए हैं, आपको दिखे कि पूरे ऐसे कटआउट हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा वार्म लग रहा है मुझे, ठीक लग रहा है। मतलब बेसिक स्वेटर में आप इसको काउंट कर सकते हो कि सिंपल कलर का एक सिंगल टोन का स्वेटर है। आप इसको किसी भी चीज़ के ऊपर, साड़ी के ऊपर भी पहन सकते हो और सूट के ऊपर भी पहन सकते हो, मुझे ठीक लगा। इसका दूसरा कलर भी मरून कलर, आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो वो भी देख सकते हो। मेरी तरफ से तो डेफिनेटली थम्स अप है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा स्वेटर है वो भी गाइस 750 रुपये का। उसमें तीन कलर के ऑप्शन थे, मैंने ये पर्पलिश पिंकिश कलर मंगवाया है, नहीं तो इसमें एक टील और मरून कलर और था। इसमें भी साइज़ एम एल और एक्सेल है, स्मॉल और डबल एक्सेल नहीं है। अब ये जो मेरे हाथ में आया है गाइस, आप ये देखो कितना डिसेंट और कितना प्यारे इसके कलर कॉम्बिनेशन है पर्पल में। मुझे बहुत सुंदर, बहुत ही क्यूट बेसिक स्वेटर लग रहा है ये, बहुत प्यारा है। इसकी वूल बहुत सॉफ्ट है, मैं आपको इसको बैक से भी दिखा देती हूँ जिससे आप बैक से भी समझ पाओ कितना क्या गर्म है ये। अच्छा खासा गर्म स्वेटर है गाइस, 750 रुपये अगर आप दे रहे हो ना तो आपको बहुत परफेक्ट वूल वाला ही स्वेटर मिलेगा, पूरा गर्म। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत डिसेंट है। फटाफट से वियर करके आती हूँ, लुक देखते हैं कैसा आ रहा है। सी गाइस इसके कितने प्यारे पेस्टल कलर्स हैं, इसका लुक एंड फिट आप देख सकते हो, प्रॉपर स्वेटर वाला ही फिट आ रहा है। मैं तो इसके कलर्स पे फिदा हूँ, ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही प्यारा डिसेंट सा लग रहा है, कि नोसेंट गर्ल वाला स्वेटर ये लग रहा है। इसकी लेंथ मैं आपको पूरी दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ यहाँ तक है, आप देख सकते हो ये इतनी लेंथ का स्वेटर है। मैंने ये इसको फोल्ड करके पहना है तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। स्लीव्स की लेंथ देख सकते हो, पास से ना आप इसकी गुथाई देखो, जो इसकी पूरी एक काम हुआ हुआ है ना, ये देखो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बैक से भी आप देख सकते हो कि बैक से कैसा लगेगा स्वेटर, ठीक है। फ्रंट से कैसा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, प्यारा डिसेंट स्वेटर जिसको बोलते ना वो लग रहा है। कुछ बहुत अतरंगी तो क्या होगा, कलर कॉम्बिनेशन ही चलेंगे स्वेटर पर, डिज़ाइन चलेगा, पैटर्न चलेगा, तो इसमें सब कुछ ही लग रहा है मुझे। इस रीज़न से मैं इसको थम्स अप देती हूँ। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो स्वेटर है ना गाइस, वो प्रॉपर कार्डिगन है, वो देसी स्टाइल वाला कार्डिगन, बेबी पिंक कलर का, उसमें चेरीज लगी हुई है। आप पिक्चर में देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगेन ये 750 रुपये का है, वैसे तो 2100 रुपये का था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और मैंने ना इसका साइज़ स्मॉल मंगवाया, ये ड्रेस बेरी ब्रांड का है। आप देखो ये है ये कार्डिगन, क्यूट सा बेसिक सा जैसे कार्डिगन होते हैं वैसा। ये इसकी स्लीव्स हैं, ठीक है, बैक से भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊँ जहाँ पे चेरीज बनी है ना, आप देख सकते हो कि वहाँ से कितना थिक गुथा हुआ है, मतलब एक पतला सा होता है ना वो आपको मिलेगा बैक से। सी ये जो इसका बैक वाला पार्ट है ना, ये बहुत थिन मटेरियल है, ये चीज़ मैं बोल रही थी, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल है। लेकिन जो इसकी स्लीव्स वाला पार्ट है और जहाँ पे भी ये चेरी पूरी प्रिंट हुई हुई है, वहाँ देखो ये डबल है और इसकी ना पूरी गुथी हुई वो हुई हुई है, ये डबल है, ठीक है। आप ऐसे देखो
ये दो लेयर है मेरे हाथ में, यहाँ अलग है यहाँ अलग है, ऐसे डबल लेयर है और पूरे एक गुथी हुई चेरी बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने पीछे क्यों नहीं दिया भाई, तुम यहाँ पे भी वो चेरीज नहीं तो ये डबल कपड़ा देते, क्योंकि डबल वाला बहुत वॉर्म है एज़ कम्पेयर टू दिस पतला मटीरियल, लेकिन देखने में बहुत चेरीज वाला क्यूट क्यूट लग रहा था। जैसे आपने स्किनी जीन्स पहनी है, वाइट कलर का कुछ अंदर पहना और उसके ऊपर आप इसको वियर करो, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा गाइस, बहुत प्यारा लगेगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपको पूरा वियर करके दिखाती हूँ। सी गाइज, अभी ना मैंने इसको बटन खोल के एक श्रक की तरह पहने थे, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, लिटरली स्लीव से ये फील हो रहा है कि यहाँ से बहुत गफ है, बहुत वॉर्म है और आप पास से देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है पहन के, बहुत प्यारा लग रहा है। बैक से भी आप देख सकते हो कि बैक से पतला है तो आप देख सकते हो कि कितना इसकी लेंथ है, कहाँ तक ये आ रहा है। अभी ना मैं इसके फटाफट से बटन अप करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि बटन अप करके बिल्कुल ऐसा लुक आएगा कि जैसे आप कार्डिगन पहनते हो ना, वो आप इसको सूट के ऊपर भी पहन सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ स्वेटर टॉप है या क्या है। सी अभी कितना परफेक्ट लग रहा है, मतलब हाथों से तो मैं लिटरली बोल सकती हूँ, वो मुझे फील अभी ही हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ मोटा मोटा पहना है, बहुत वार्म लग रहा है, कलर बहुत ज़्यादा क्यूट है, चेरीज वगैरह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है मुझे, ओवरऑल मतलब स्वेटर अच्छा लग रहा है। अब खाली वो बैक वाला चीज़ को मुझे थोड़ा मेरे माइंड में आया कि यार ये पीछे से इतना पतला क्यों है, जब मैं पैसा दे रही हूँ तो पीछे भी पूरा गर्म होता, तो वो चीज़ थोड़ा मिसिंग फैक्टर लग रहा है, वरना स्लीव से ये बहुत गर्म है। मुझे अभी ना थोड़ी गर्मी सी लगने लगी सच में इसको पहन के, ठीक है थम्स अप है। नेक्स्ट हमारा स्वेटर है 666 रुपीज़ का, थैंक गॉड ये सात वाली लाइन ब्रेक हुई। इस आप पिक्चर में देख सकते हो, इस सेल्फ डिज़ाइन राउंड नेक डार्क ब्लू स्वेटर है, इसमें साइज एस से एक्सेल साइज है। मुझे ना जो ये साइड में वर्क हुआ हुआ था ना पूरा ऊन की गुथी हुई कढ़ाई वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मंगवा के देखा जाए कैसा लग रहा है। बहुत सिंपल और स्वेटर है स्टाइलिश टाइप का, लेकिन बहुत बड़ा लग रहा है मुझे ये, आप देख सकते हो जो पूरा ऐसे गुथा हुआ वर्क है वो ना स्लीव तक आ रहा है और कैसा वो लग रहा है। और ये स्वेटर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, मीडियम रेंज वाला स्वेटर है, मतलब जो सबसे पहला मैंने वो पिंक कलर का दिखाया था ना ऐसे स्टेप वाला जिसके अंदर था, ये वैसा सा आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला वाला स्वेटर है, परफेक्ट है कि अंदर आपने स्पेगडी पहनी है, ये स्वेटर पहना है और एक जैकेट पहनी है, इतना इनफ हो जाता है। अगर बहुत वाली वॉर्म वाली जैकेट है तो इनफ ये स्वेटर गर्म कर देगा। लुक वाइज मुझे अच्छा लग रहा है, जैसा दिखाया वैसे ही आया, बाकी मैं वियर करके दिखाती हूँ। इस स्वेटर को लेके मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ ना, जितने मैंने अभी तक पहने हैं ना वो थोड़े मोटे स्वेटर्स थे, उनमें थोड़ा दम था, अब ये पहन के ना पतला तो है, आप देख सकते हो लाइक कितना ऐसे ढीला ढाला पतला सा ये स्वेटर है, और यहाँ से ना ये अजीब तरीके से मुझे ढीला भी है, और आप देख सकते हो नीचे एंड में किस तरीके की यहाँ पे हाथ में किस तरीके की इसमें सिलाई हुई हुई है, बस ऐसे ऐसे बस इंटरलॉक किया हुआ है, और ना मुझे बहुत पतला लग रहा है, मतलब इस पार्ट को छोड़ के, मतलब जो भी ये आपको स्लीव से यहाँ तक का पूरा ये वर्क दिख रहा है ना, इस पार्ट को छोड़ के ना कुछ ऐसा इसमें नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। मतलब मुझे ये स्वेटर कुछ अब उतना पसंद ही नहीं आ रहा है, बहुत अजीब सा पतला सा ढीलू सा स्वेटर लग रहा है, मतलब जितने मैंने अभी तक पहने हैं और जो मैं उनसे कंपेयर करूँ ना तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। मैं इस स्वेटर को लेकर 50-50 हूँ। अब पता नहीं पहन के अच्छा लग रहा है वो बात अलग है, लेकिन मैं फैब्रिक वाइज बता रही हूँ मुझे ना उतना मज़ा नहीं आ रहा है, डिज़ाइन पैटर्न को अगर मैं साइड करूँ तो फैब्रिक में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, गर्म तो लग ही रहा है शायद, मे बी मैं बार बार चेंज कर रही हूँ, बोल रही हूँ, भागा दौड़ी कर रही हूँ, इसलिए मुझे गर्मी लगी, गर्म लग रहा है पहनने में, लेकिन फिर भी मुझे ना वो मज़ा सा नहीं आ रहा है फैब्रिक में, तो मैं थोड़ी डाइसी हूँ, तो इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस फाइनली मैं रैंडम पैकेट उठाती हूँ, अब जो पैकेट आया ना लास्ट हमारा स्वेटर, ये सबसे सस्ता स्वेटर है, 350 रुपये वाला मल्टी कलर वाला स्वेटर है, स्ट्रिप्ड वाला राउंड नेक है इसका, और इसका साइज ही मैंने स्मॉल ही मंगवाया है, जंप यूएसए ब्रांड का है वो, क्या रबड़ वाला इन्होंने लोगो लगा रखा है यार, सॉफ्ट सा ये है, ये पतला सा स्वेटर, ठीक है आप देख सकते हो ऐसे स्ट्रिप वाला बेसिक स्वेटर है ना, बहुत मोटा है ना बहुत पतला है, एंड प्लस पॉइंट अभी भी इतना खसड़ खसड़ चुभ नहीं रहा मेरे को, ठीक लग रहा है वो, ये इतना जैकेट वैकेट के नीचे पहनना हो तो आप इसको इजीली पहन सकते हो, आप देख सकते हो कितना मोटा है कितना पतला है, बहुत मोटा वाला नहीं है, जैकेट के नीचे जो हल्की सर्दी में पहनने वाले फुल स्वेटर्स होते हैं ना गाइज, ये बिल्कुल परफेक्टली वही है, एंड 350 रुपये का मुझे तो बुरा नहीं लग रहा, जो बुरा लग रहा है वो लग रहा है काफ़ी लंबा लग रहा है गाइज, ये मेरे को पहन के इसका लुक एंड फिट देखती हूँ फिर कुछ बताती हूँ। सी गाइज ये लास्ट स्वेटर है और सबसे सस्ता स्वेटर है, इसका फिट कितना आ रहा है, और ये मैं ऐसे स्ट्रेट पहनूंगी तो आपको लॉन्ग ऑब्वियसली लगेगा, और ऐसे कोई भी नहीं पहनता, तो मैंने इसको ना लाइक थोड़ा ऐसे करके पहना है,
एक तरफ से शॉर्ट एक तरफ से लॉन्ग, और ये अभी की सर्दियों के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। अभी जितनी थोड़ी वाली सर्दी हो रही मैंने अभी इसको पहना है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे इतना चुभ भी नहीं रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी डिसेंट है। पता नहीं क्यों मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि कुछ टीचर्स होती है ना जिसे सूट के ऊपर भी पहन लेती हैं, या बैंक में लड़कियाँ जो काम करती हैं ऐसे स्वेटर पहन के कुछ काम कर रही हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, तो बहुत परफेक्ट मुझे लग रहा है। आप बैक से भी देख सकते हो, 350 रुपये के हिसाब से स्वेटर है, काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे तो, इसलिए तो मैं तो इसको देती हूँ थम्स अप। सो गाइज दैट्स इट, ये थे मेरे स्वेटर्स, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, क्यूट लगे होंगे। मुझे कुछ कुछ स्वेटर्स तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे, बहुत वार्म थे, बहुत कोजी थे। आई नो थोड़ी रेंज ज़्यादा है लेकिन वर्थ इट स्वेटर है, बहुत लॉन्ग रन तक आप पहन सकते हो इनको, ठीक है। अगर आप इतना इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छा ही मिल रहा है, ब्रांडेड है ये। इसमें वैसे तो बहुत सारे ह्यूज वैरायटी और महंगे महंगे ओनली वगैरह ब्रांड के थे, लेकिन ये मुझे रीजनेबल और अच्छे स्वेटर्स लगे। तो मेरा आज का एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के स्वेटर्स का बहुत अच्छा रहा है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरा हॉल कैसा लगा, मेरी चॉइसेस कैसे लगी, आपको स्वेटर्स अच्छे लगे या नहीं लगे, सबसे अच्छा कौन सा स्वेटर लगा, प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही मेरे हॉल्स वीडियो देखते रहिए, भर भर के प्यार देते रहिए, क्योंकि अभी लाइन से जीन्स कार्गो स्वेटशर्ट्स बहुत कुछ आने वाला है विंटर कलेक्शन में अलग अलग ऐप से। तो बस ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए, बहुत ही जल्द मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय गाइज, लव या। कुत्ते भी इतना भौंकने लगे एंड में, बाय।